हमारे ना केज में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, 40 प्लस टेम्परेचर रहता है। जो वीडियोस पे कमेंट आए हैं उनके मुताबिक मतलब सिलेक्ट करना है कि हम अपने केज में ऐसा क्या काम करेंगे कि गर्मी कंट्रोल में हो जाए। अच्छा जी, कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दो बर्ड्स को, एयर कूलर लगाओ, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स स्क्रीन अवेलेबल। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मानी, मैं सबके दिलों का जानी। तो गाइज अभी उठे हैं, तकरीबन 6:20 हो चुके हैं। तो अभी पहला काम ये मैंने किया, उठते ही ना मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि हमारे ना केज में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, खुद भी खड़े नहीं हो जाता, इतनी गर्मी होती है, 40 प्लस टेम्परेचर रहता है। तो अब हमने क्या करना है, जो वीडियोस पे कमेंट आए हैं उनके मुताबिक मतलब सिलेक्ट करना है कि हम अपने केज में ऐसा क्या काम करेंगे कि गर्मी कंट्रोल में हो जाए। तो अभी उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर जाके देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो जी अभी फ्रेश होके आ चुके हैं छत पे, अभी देखते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उन कमेंट्स में से देखते हैं कौन सा कमेंट हमें सही लगता है, कौन सा सलूशन हम कर सकते हैं, कौन सा उनमें से सलूशन है जो वैलिड है वो करते हैं। तब तक स्टेफी साहब की रोटी तैयार हो गई है जी, आज स्टेफी रोटी खाएगा, खुद आप लोग खाओ ना खाओ, लेकिन जब कोई जानवर रख लिया तो उसका आपको ख्याल ऐसे रखना पड़ेगा जैसे आपका बेटा है, ठीक है। जब कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई भी चीज़ आपने घर पर रख ली है उसका ख्याल आप लोगों को ऐसे रखना पड़ेगा जैसे आपकी औलाद है, ठीक है। तो अभी क्या करना है यार, कमेंट्स पढ़ फिर देख सोल्यूशन क्या करना है, उसमें से वीडियो निकालते हैं, देखते हैं उसमें से कौन सा सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अच्छा जी, कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दो बर्ड्स को, एयर कूलर लगाओ, नेटफ्लिक्स हैं, नेटफ्लिक्स स्क्रीन अवेलेबल। अच्छा, मिक्स सब्जी, टेम्परेचर, एयर कूलर लगाओ, प्लीज इंस्टॉल एयर कूलर। तो ज्यादातर लोगों का एक ही कमेंट है कि एयर कूलर लगाओ, और इलेक्ट्रोलाइट का बहुत सारा कमेंट है। इलेक्ट्रोलाइट की है, इलेक्ट्रोलाइट एक पाउडर शेप में पाउडर होता है जो परिंदों को पानी में थोड़ी सी मिकदार में मिक्स करके दिया जाता है ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर और इनकी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना की जो। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, ओके यार, बहुत लंबी गल करता हूँ यार, ये यार मार में अंदर जाना, भाई साहब आयो, ताला लाया वा बैंक का अंदर, बैंक तो ज्यादा कीमती है। अच्छा जी, तो आ गए हम अपने केज में, तो अभी टेम्परेचर है यहाँ पे 39, ठीक है। इस वक्त टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, लेकिन इस वक्त या पता नहीं, मैं फ्रेश हो गया, नहा धो गया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं लग रही गर्मी, अंदर मौसम कुछ ठीक है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आज गर्मी बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, बर्ड्स बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल में आज गर्मी। अभी एयर कूलर ला के इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, एयर कूलर का बंदोबस्त करते हैं अंदर, तो एयर कूलर के बगैर यहाँ पे आई थिंक टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आएगा। एयर कूलर न्यू लाना पड़ेगा ना, हाँ एयर कूलर भी न्यू लाना पड़ेगा, टेम्परेचर कंट्रोल क्या इस चीज ने, मुकम्मल दीवारों को वो ऊपर से लेके यहाँ तक और फर्श को पानी दिया था जब ठंड हुई थोड़ी सी, सूरज डूबा। माशाल्लाह, मेरे भाई की उर्दू भी ना मेरे जैसी है। खैर, कोशिश किया करेंगे उर्दू में आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाएं, बहरहाल साड़ी पंजाबी है यार, अभी पंजाबी बोल रहे हैं, अभी पंजाबी हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, उन्होंने रोटी खा ली है सारी, सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया वा, ओके। अभी एयर कूलर लेने चलते हैं, तो देखते हैं क्या करना है और एयर कूलर इंस्टॉल करने से टेम्परेचर कितना कंट्रोल में होगा, अभी देखते हैं सारा कुछ। अच्छा, तो बर्ड्स के लिए एयर कूलर नया लेने का प्लान किया था, लेकिन एक एयर कूलर मिल गया यहाँ पे, ये मेरा कज़न ही है, इसके पास पड़ा हुआ था, ये आई थिंक ख़राब है, वो कह रहे हैं सही करवा लो, और सही करवा के आप लोग यूज़ करो और देखते हैं इस पर कितना खर्चा होता है। एयर कूलर तो ठीक है, इसकी कंडीशन भी ज़्यादा रफ नहीं है। जवाब कितने पैसे दे जाए, पैसे कर लेंगे बाद में। उर्दू बिस्मिल्लाह करा, मेरा भरा उर्दू बोल रहा है, कितने पैसे हैं भाई उर्दू में बताएं। नहीं ले जाए कुछ नहीं होता, पैसे बाद में कर लेंगे। चलो जी ठीक है, वो कह रहा है ले जाओ, पैसे बाद में कर लेंगे, अभी इसे ठीक करवाते हैं, ठीक करवा के देखते हैं इस पर कितना खर्चा होता है और उस हिसाब से फिर बाद में मैनेज करेंगे। इसे ले आओ चलो साहब, बॉडी बिल्डर। तो अभी बर्ड्स के लिए एयर कूलर का बंदोबस्त हो गया, बाकी देखते हैं इससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है कि नहीं होता। अच्छा, तो ये एक चकोर भी है, इसका नाम हमने रखा है हिनो, ये बैद की हिनो है, इसका नाम स्टेफी है,
और मेरा नाम मानी है। बहरहाल जी आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, एयर कूलर कल को सही करवा के यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। आज का ब्लॉग इतना ही था। खैर एक डिटेल वाला ब्लॉग बनाना है जिसमें आप लोगों से बहुत सारी बातें पूछनी है, जिसमें हमने ये पूछना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में, अपने मिनी जू में भी हमारे पास है यहाँ पे एक, मतलब ये ऐसे कुछ मुर्गियाँ शुर्गियाँ, ये मुर्गी नहीं है खैर ये परिंदा है एक, मुर्गियाँ हमारे पास काफ़ी किस्मों की, और उसके अलावा हमारे पास है डॉग, उसके अलावा कबूतर हैं, तोते हैं, उसके अलावा और की है हाँ 10-12 किस्म की मुर्गियाँ हैं, और डॉग है और बर्ड्स हैं। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने सोची हुई हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एयर कूलर इंस्टॉल करने से पता चलेगा कि इनको कितना सुकून मिलता है और अंदर कितना टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैफी सैफी भी आपसे कुछ कहना चाहता है, सैफी की बात सुन लें जरा, की कहना वा? ओके 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 डन। ये कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने कल भी बताया था कि जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो मेरा कजन होगा, तो अभी आप लोगों ने सोचना है इसका कजन बनना है या चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।